गेट भी खुला है ना पड़ा था, गेट भी पे लगा है मारा जी। किन कहे थे बेचारे? नहीं सुनो मेरी बात है, मंत्री जी को या तो बता दो इस तक किन वर्ग का काम कोई नहीं कर सकता। हमने पिछले भी नहीं जान देते बना कितनी दूर कोठी है बता। बड़ा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, श्री मंत्री मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने वाला सांसद मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, कर्ज भूषण को बचाने वाली सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, भगोड़ा कृषि मंत्री मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, श्रम कर्मचारी संघ हरियाणा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सरकार की लड़शायर की गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी, भगोड़ा कृषि मंत्री मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, महिलाओं के साथ यौन शोषण करने वाला सांसद मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आज नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा संबंधी सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा आज पूरे प्रदेश में सुबह 5 बजे से लेकर हरियाणा सरकार के मंत्री विधायकों सांसदों को ज्ञापन दे रहा है अपनी 12 सूत्री मांग पत्र को लेके। हम सुबह 5 बजे बड़ चौक के ऊपर इकट्ठे होकर माननीय सांसद भिवानी लोकसभा महेंद्रगढ़ क्षेत्र के जो सांसद हैं धर्मवीर जी, उनको हम ज्ञापन देने के लिए गए थे। हम एक बात तो कहना चाहते हैं, हम वहाँ लगभग आध घंटा खड़े रहे, मतलब सांसद साहब एक रात को लेट आए हैं, सो रहे हैं, ले नहीं आए। हम उनके पीए को ज्ञापन देकर आए। एक तो हम कहना चाहते हैं सांसद साहब को, जब चुनाव आता है ना तब तो बड़ी बड़ी बात करते हैं कि ये हमारे आदमी हैं, मैं इनका मतलब इनका सेवक हूँ, और आज हमारी बात सुनने के लिए भी बाहर नहीं आए। हम इन कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, रमेश का मतलब घोर निंदा करता सर्व कर्मचारी संघ कि जनता द्वारा चुने हुए जनता के प्रतिनिधि हैं जो जनता की बात सुनने के लिए बनाए गए हैं। एक तो उनको बात हमारी सुननी चाहिए थी, दूसरा जो हम कहना चाहते हैं आज तमाम हरियाणा का कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर रोड़ों के ऊपर है, हरियाणा सरकार के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने के लिए, अपनी मांगों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए आज रोड़ों के ऊपर है, और तमाम हरियाणा का कर्मचारी इस सरकार के खिलाफ आंदोलन करने जा रहा है। 28 मई को पूरे प्रदेश का लगभग 1 लाख कर्मचारी जींद के हुड्डा ग्राउंड में इकट्ठा होगा और एक हम राज्य स्तरीय रैली करेंगे और सरकार को बताएंगे कि जो मैनिफेस्टो में जो बातें थी उनको पूरा सरकार कर नहीं रही। हमारी जो इसमें रैली के माध्यम से मुख्य मांग होगी, जो हरियाणा के अंदर जनवरी 2006 के बाद जो कर्मचारी भर्ती हुए उनको पुरानी पेंशन लागू की जाए। दूसरा, जो तमाम हरियाणा में जो कच्चे कर्मचारी लगभग 1,63,000 का आंकड़ा है उनको पक्का किया जाए, और जो सरकारी भागों में लगभग 1.5 लाख के करीब पोस्टें खाली पड़ी हैं उनमें नियमित रूप से भर्ती की जाए। आज हरियाणा बेरोजगारी की दर में सबसे ऊपर है पूरे देश में,
37% बेरोजगारी बढ़ी हुई है और आज हरियाणा का जो पढ़ा लिखा युवक है जो बेरोजगार है रोडों के ऊपर घूम रहा है उनको रोजगार नहीं मिल रहा और इन्हें रोजगार देने की बजाय मतलब प्रदेश की सरकार के मुखिया हम कहना चाहते माननीय मनोहर लाल जी खट्टर को कि झूठ तो इसी प्रकार की बोले जो जच जाए। इन्होंने कहा कि हमने 98,000 कर्मचारी भर्ती कर दिए, हम कहना चाहते हैं श्वेत पत्र जारी करें उसके ऊपर, अगर 98,000 कर्मचारी कहाँ भर्ती कर दिए, मतलब जो कच्चे कर्मचारी लगे हुए थे उनको हरियाणा रोजगार कौशल निगम में कन्वर्ट कर दिया, नए भर्ती तो नहीं किए और ये कह रहे कि हरियाणा रोजगार कौशल निगम से मतलब हमने बेरोजगारी दूर कर दी। हरियाणा रोजगार कौशल में पीछे बहुत बड़ा भ्रष्टाचार उजागर हुआ है, 40 मतलब बिल बनवाने के लिए जी क्या कहेंगे आज जो थाली बजाई उससे सरकार जागेगी। देखिए सर्व कर्मचारी संघ अनुशासन में रह के अपनी मांगों को मनवाने के लिए आंदोलन करता है और इसी तरह नगरपालिका का कर्मचारी भी अनुशासन में रह के अपनी मांगों को मनवाने के लिए आंदोलन करता है। इससे पहले कमल गुप्ता से बातचीत हुई जो निकाय मंत्री हैं, उन्होंने भी कहा कि मैं आपको मतलब सारी मांगे हल कर दूंगा। थाली बजाने का थाली और ताली का जो कार्यक्रम है हमारा, ये तो जो सरकार कुंभकर्ण की नींद सोई है, जो बात नहीं सुनती किसी की भी, उसको जगाने के लिए आए हैं, आज हम जगा रहे हैं। लेकिन हम कहना चाहते हैं 2024 का चुनाव आएगा तो ये सो जाएंगे पूरी तरह से। कभी ये पिछली बार 70 पार का नारा लगा के कि 70 पार 70 पार, और जो इनकी सहयोगी पार्टी है ना वो तो बड़े बड़े वादे कर रही थी कि हमारी जी गर्दन कट जाए, हम बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, हम इस प्रकार से काम नहीं करेंगे। लोगों ने मैंडेट तो बीजेपी के खिलाफ दिया था उनको भी, वो इनकी गोद में आके बैठ गए। हम आज कह रहे हैं कि 2024 का चुनाव आएगा, उन्होंने तो पार भेजा नहीं, लेकिन वो 4% की बात करते हैं कि हरियाणा के अंदर थोड़े कर्मचारी हम इनको देख लेंगे। देखा कोई जाता लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है और कर्मचारी के भी जनता का हिस्सा है और कर्मचारियों के परिवार भी हैं। हम कहना चाहते हैं सरकार या तो हमारी बातचीत से हमारी मांगों का समाधान करे, नहीं तो 2024 का चुनाव आएगा या सरकार आर पार हो गई। हम ये कहना चाहते हैं सरकार जो गहरी नींद में कर्मचारियों की मांगों को लेकर सोई हुई है, बार बार में हमने सरकार के जो नुमाइंदे हैं उनसे बात की है, निकाय मंत्री जो के जो हमारे कविता जैन जी थे उनसे बात की, उसके बाद मैं नीलबीज जी बनाया, नीलबीज से बात कमल गुप्ता से हाल ही में बात हुई है, उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारी सभी मांगे जायज़ है। 18 सूत्रीय मांग पत्र नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा की तरफ से दिया गया था, उसके बाद में भी जो मांगे हुई माने उनके परिपत्र जारी नहीं करे। उसमें जो हमारे जो मांग पत्र है उनमें हमारी मुख्य मांगे है कि जो कच्चा कर्मचारी और पक्का ठेका प्रथा समाप्त हो और जो पुरानी पेंशन नीति बहाल और हरियाणा कौशल रोजगार निगम है जो उसको भंग किया जाए और जो फायर ब्रिगेड के जो साथी हैं जो दूसरा महकमा में स्वराज जो आपातकालीन विभाग है उसमें जाने भेजने की तैयारी कर रही है उसको ना भेजा जाए, उसको नगर पालिका क्रम इसमें निकाय विभाग में रखा जाए। और हम ये खुले शब्दों में कहना चाहते हैं जो सरकार ने हमारे समय रहते तक हमारी जो मांगे नहीं मानी गई कि हरियाणा सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो कर्नाटक से सबक ले, या तो कर्मचारी के समय रहते हुए मांग पूरी करे। हमारे साथी लगा पिछली बार उन्होंने नारा लगाया था कि 70 पार 80 पार और अब के बार हरियाणा पार करेंगे, इसी कर्मचारियों के मांगों को लेकर 28 तारीख को नगर सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा एक चेतावनी रैली करने जा रहा है जिसके बहुत बड़े आंदोलन की उसके अंदर से कॉल होगी। हम ये चेक कह रहे हैं कि सरकार या तो समय रहते हुए कर्मचारियों की मांगे मान ले, नहीं तो 2024 में इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और जो और सरकार भारतीय जनता पार्टी की जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का जो नारा जोर शोर से लगा रही है, जब आज और जो जंतर मंत्र पर जो हमारी बच्चियां बैठी है उनको जाति को जाति में धर्म में डिवाइड कर रहे हैं, कह रहे हैं जाट की बेटी नहीं, वो पूरा देश की बेटी हुई हमारी बेटी है। उन बच्चियों के लिए चाहे जो हमें जंतर मंत्र पर जाकर हमारा खून पसीना भी एक करना पड़ा तो हम कहेंगे जो हमारे जो बच्चे जंतर मंत्र पर हमारे जो पहलवान बैठे हुए हैं उनका पूर्ण समर्थन नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा और कर्म सर्व कर्मचारी संघ का पूर्ण रूप से समर्थन उनके साथ है।